हेलो हेलो हेलो। हाँ तो भैया ओके जी। अभी अभी मैंने क्या बोलते हैं लूना की ट्रेड दी थी, लॉन्ग शॉर्ट है बिल्कुल, अपने क्या बोलते हैं 15 सेकंड के टाइम फ्रेम पे। सो बेसिकली इसका थॉट प्रोसेस मैं शेयर करने वाला हूँ कि इस ट्रेड में मेरा थॉट प्रोसेस कैसे था, मैंने कैसे लेवल्स मार्कआउट किए और फिर कैसे इसको प्ले आउट किया। ओके सो बेसिकली ये है कि सपोज करो मैं पहले क्या करता था कि अपना 2 घंटे का टाइम फ्रेम लिया। ओके 2 घंटे का टाइम फ्रेम लिया और उसकी लास्ट 2 घंटे की कैंडल मार्कआउट कर ली। वो कैंडल जब मार्कआउट कर ली तो फिर आ गया मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मुझे 2 घंटे के बीच में 120 कैंडल्स मिल जाती थी। जो डाटा 120 कैंडल का डाटा होता था वो मुझे मिल जाता था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना सेटअप क्या बोलते प्ले करता था। तो सेम फिर मैंने क्या किया कि मुझे लग रहा था कि 1 मिनट भी ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो फिर मैंने क्या किया 30 मिनट पे आया अपना। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने अपना लास्ट जो थी 30 मिनट की कैंडल मार्कआउट कर ली। ओके थोड़ा सा इसको बढ़ा लिया, अब कन्फ्यूजन ना हो तो इसको विजिबिलिटी को बोल दिया कि ये मुझे सेकंड्स के टाइम फ्रेम पे शो हो, मिनट के टाइम फ्रेम पे ना शो हो। तो फिर इसके बाद आ गए, अभी देखो 30 मिनट की कैंडल है तो इसको 15 सेकंड में मैं अगर मतलब काटता हूँ तो मेरे पास 120 कैंडल्स आ जाएंगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मतलब मेरे पास सफिशियंट डेटा मिल जाएगा। तो ओके अब वो लास्ट 30 मिनट की कैंडल के हिसाब से जिसको हमने मार्कआउट किया हमारा ये रेंज का टॉप था। ओके और ये हमारा रेंज का बॉटम है। ओके तो ये हमको इतना डाटा मिल गया। अब सीन क्या है कि मैंने उससे पहले नोटिस किया कि हमारा कौन सा एरिया था, यहाँ से एक हमने एक बहुत बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक दिया था जिसको अभी तक हमने टेस्ट नहीं किया है। तो लास्ट वाली क्या बोलते हैं जो मतलब अपनी कैंडल थी 30 मिनट की, उसके बीच में से ये ऑर्डर ब्लॉक था हमने जो अभी तक टेस्ट नहीं किया था। ये जो ब्लैक कैंडल है ना, सॉरी क्या बोलते हैं रेड कैंडल है, जो ब्लैक कैंडल जो बोलो, ये अप मूव से पहले, बहुत बड़े अप मूव से पहले वाली, तो मैंने इसको मार्कआउट कर लिया, मार्कआउट किया इधर को पूरे एरिया को। ओके तो फिर इसके बाद सीन क्या है, मैं वेट कर रहा था कि कब इसको प्राइस रीटेस्ट करने आए, ये ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट करने आए। और सीधी बात यह है कि चाहे तुमने मार्कआउट करके रखा है बट अगर रीटेस्ट करने आए, सीधा रीटेस्ट करने आए शार्पली, या जो भी, अंधी एंट्री नहीं लेनी है, अंधी एंट्री नहीं लेनी है कि बीच में घुस गए और स्टॉप लॉस तुमने इसके बीच नीचे डाल दिया है तो सोच रहे हो कि ओके प्राइस यहाँ से बिल्कुल बढ़ जाएगा तो मैं तो हीरो बन जाऊँगा, ये वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बेवकूफ़ी होगी। ओके सीन ये है कि इसको देख लो अच्छे से, ऑर्डर ब्लॉक को मार्कआउट कर लो, कोई नहीं प्राइस को बढ़ने दो, छोटे टाइम फ्रेम पे उसको नोटिस करो। फिर तुमने क्या करना है, उसको नोटिस करना है कि अब देखो प्राइस किधर को जा रहा है। तो प्राइस ने क्या बोलते हैं कि हमारा मतलब जहाँ से बढ़ के ये टॉप बनाया था, ओके ये अपना प्राइस ने टॉप बनाया हुआ है, टॉप बनाया है, गिर रहा है मतलब फॉल कर रहा है, अभी तक कहीं पे भी इसने क्या बोलते हैं अभी तक रिवर्सल नहीं दिया। ओके प्राइस रिवर्सल नहीं दे रहा ना, तो फिर हमने देखना है कि रिवर्सल हमको दिख कहाँ से रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जहाँ पे इसने ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया, एंट्री नहीं लेनी, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया तो इसने ये एक हाई बनाया, ये यस एक मिनट थोड़ा क्लोज करके दिखा देता हूँ। ओके प्राइस ने ये वाला हाई बनाया, इसके बाद दोबारा गिर गया। ओके ये हाई बनाने के बाद प्राइस दोबारा गिर गया, तो बट इसने उसके बाद एक हायर लो बनाया, इसके नीचे नहीं गया, हायर लो बनाया, फिर इसने यहाँ से मोमेंटम पकड़ा है और इसने ये वाले हाई को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके ऊपर चला गया। मैंने एंट्री नहीं ली वहाँ पे, मैंने सीधा बोल रहा हूँ एंट्री मैंने वहाँ पे कम्प्लीटली इग्नोर कर दी कि नहीं अभी एंट्री बिल्कुल यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या वेट किया कि मिड रेंज की तरफ जाए, ये मिड रेंज की तरफ गया है तो फिर उसके बाद वेट कर रहा था रिएक्शन की, मिड रेंज से रिएक्शन हुई है फिर उसके बाद ये जो, एक सेकंड क्लियर करना था चार्ट थोड़ा सा। ओके सो मिड रेंज से रिएक्शन के बाद मैं क्या वेट कर रहा था कि प्राइस ये अपना जो क्या बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक बनने पड़े हैं, थोड़ा सा छोटा सा एरिया है ये वाला एरिया,
इसके रीटेस्ट को आए, तो प्राइस इसके रीटेस्ट को आ गया ऑर्डर ब्लॉक के, तो फिर मैंने यहां से एंट्री ली है अपनी, कि मैंने बोल दिया ओके, अब मैंने यहां पे एंट्री अपना ऑर्डर ऑर्डर लगा दिया है, कि यहां से एंट्री अपनी, और इसके नीचे क्या बोलते हैं हम लोग कर लेंगे अपना स्टॉप लॉस कर लेंगे, और ये हमने टारगेट कर दिया रेंज का बिल्कुल हाई, कि रेंज का हाई हम टारगेट कर रहे हैं, अराउंड 3.5 की हमको क्या बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है बड़े इजीली, तो इसको हम लोग बड़े आराम से प्ले आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली यही ट्रेड का आइडिया था, और बड़े अच्छे से प्ले आउट किया है इसने। थैंक यू।